गुजरात के वडोदरा शहर में ज्यादातर तालाबों और बगीचों की स्थिति बेहद गंभीर है। उन्हीं में से एक है मांजलपुर का श्री कुबेर सागर गार्डन, जो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन बदबूदार भी बहुत है। गुजरात का वडोदरा शहर और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इस शहर को बहुत खूबसूरत बनाया है। इस शहर को कई सारे गार्डन की भी भेंट दी गई है और वडोदरा शहर के नागरिकों को महाराजा के समय से बहुत सारे बाग बगीचों के साथ साथ बहुत सारी भेंट मिली है। अब वडोदरा की देखभाल और वडोदरा की जिम्मेदारी वडोदरा महानगर पालिका के जिम्मे है। वडोदरा महानगर पालिका ने भी काफ़ी सारे बगीचे बनाए हैं। फिलहाल मैं खड़ी हूँ मांजलपुर के मेन इलाके में स्थित श्री कुबेर सागर गार्डन में और यहाँ काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है। लोग आकर बैठे और चल सके ऐसा भी प्रावधान है, लेकिन यहाँ एक तालाब है। श्री कुबेर सागर गार्डन में ही एक तालाब है जिसके आसपास ये वॉकिंग ट्रैक है। ये तालाब बेहद ही गंदा है, गंदा तो छोड़िए बहुत बदबू यहाँ आ रही है। यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है, उतनी गंदी बदबू आ रही है क्योंकि यहाँ बरसाती कांस का और ड्रेनेज का पानी सीधा सीधा तालाब में बहाया जा रहा है। ये पूरा रिहायशी इलाका है। अगर मैं दूर दूर तक नज़र डालती हूँ तो यहाँ लोग रहते हैं, घर दिख रहे हैं इस तालाब के आसपास, इस गार्डन के आसपास जहाँ लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसी तरह की बदबू का सामना करते हैं क्योंकि ना तालाब की सफाई होती है और ड्रेनेज का पानी। विश्वामित्री को तो हम नाला बना ही रहे हैं, वडोदरा शहर के ऐसे छोटे छोटे जल संसाधन को भी हम नाले में तब्दील कर रहे हैं और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर खर्च हो रहा लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट है वो कहाँ खर्च हो रहा है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान आखिरकार लगा हुआ ही है। लोकसभा चुनाव के बीच अलग अलग मांगे हो रही है, अलग अलग बातें हो रही है। फिलहाल मैं जहां खड़ी हूं वो मांजलपुर का श्री कुबेर सागर गार्डन है और यहां खड़े रहना भी मुश्किल है। गार्डन इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों का स्वास्थ्य सुधर सके। यहां लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो उसलिए आते हैं, थोड़ी सुकून की सांस लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ सुकून की सांस तो क्या, यहाँ इतनी बदबू है कि इस गार्डन में शायद लोग आना भी पसंद ना करें। यहाँ आने वाली देविका बहन हमारे साथ है। देविका बहन, यहाँ तालाब की बहुत गंदी बदबू आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत आती है बदबू और मच्छर भी बहुत है। बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है, उसको कुछ करना चाहिए। आप यहाँ आसपास रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं सोसाइटी में। ये जो बदबू आती है रोज आती है कि आज ही आ रही है? नहीं, रोज ही आती है। क्यों बदबू आती है? बदबू आने का कोई कारण? कारण तो हमको क्या मालूम, गंदगी है इसीलिए तो बदबू आएगी। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार को सब मालूम है क्या करना चाहिए, बच्चों की सेहत के लिए क्या करना चाहिए। गुजरात के वडोदरा शहर में तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हर तालाब के लिए अलग अलग फंड आवंटित किया गया है, लेकिन अभी भी तालाबों का जो ब्यूटिफिकेशन है वो सवालों के घेरे में है। यहाँ ब्यूटिफिकेशन को तो मैं पीछे छोड़ दूँ, लेकिन तालाब में इतनी गंदगी है और साथ ही वडोदरा महानगर पालिका का ही ड्रेनेज का पानी यहाँ छोड़ा जाता है और उसी की वजह से ये जो बदबू है यहाँ फैल रही है। आप देखिए ये जो तालाब है, बहुत खूबसूरत गार्डन आसपास बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक बनाया है और इसे बनाने में भी लाखों रुपए खर्च जरूर हुए होंगे, लेकिन उन लाखों रुपए का जो फल नागरिकों को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। खूबसूरत तालाब, यहाँ आप गार्डन है इसलिए आप लोगों को ये तालाब लग रहा होगा, लेकिन नहीं, गंदे नाले से कुछ भी ज्यादा नहीं है। आप देखिए हर और अलग अलग झाड़ियाँ निकल आई हैं, तालाब की सफाई तो हो ही नहीं रही है, ऊपर से इतना गंदा पानी यहाँ दिख रहा है क्योंकि ये बदबू से ही पता चलता है कि यहाँ ड्रेनेज का पानी मिक्स हो रहा है। वहाँ एक लाइन दी गई है और उसी लाइन से ड्रेनेज का गंदा पानी, आसपास रहने वाले लोगों के ड्रेनेज का गंदा पानी यहाँ तालाब में छोड़ा जाता है। यहाँ सुबह शाम लोग आते हैं लेकिन चलने के लिए आते हैं, लेकिन बदबू से परेशान है। यहाँ बहुत बदबू आ रही है तालाब को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? ये रोज आती है, आप रोज यहाँ चलने आते हैं? हाँ, मैं रोज आता हूँ। ये किस चीज की बदबू आ रही है? तीन दिन से ज्यादा आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? इतना खूबसूरत गार्डन है, उतना खूबसूरत तालाब है, बेपरवाही तो है। इतना अच्छा तालाब बना है, इतना वॉकिंग ट्रैक है और
इसकी जो संभालना, उसको देखभाल रखना, स्वच्छता का ख्याल, दुर्गंध आती है उसका लिए कुछ जो सफाई करना, अंदर की सफाई, ये सब अपनी जिम्मेदारी है कॉरपोरेशन की, उसको करनी चाहिए। ये अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य लोगों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप यहीं आसपास रहते हैं? मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ जी, और रोज आते हैं इस गार्डन में? रोज आता हूँ। तो इसी तरीके की बदबू का सामना करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है सामना। तो जो बदबू आती है वो तो छिपी नहीं रहती, उसको कैद किया नहीं जाता। इससे साथ साथ मच्छर भी बहुत पैदा हुए हैं, मच्छर का भी त्रास है। मच्छर जो रात को शाम 6-7 बजे के बाद मच्छर चालू हो जाते हैं, पूरी रात सताते हैं, ये सब तो होता रहता है। यहाँ जो लोग हैं जो वॉकिंग के लिए आए हैं, अपना स्वास्थ्य दुरुस्त करने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य यहाँ खराब हो जाए, उस तरीके का यहाँ माहौल है। चलिए, हमारे साथ किशोर भाई पंचाल है जो यहाँ रोज चलने के लिए आते हैं। यहाँ चलने के लिए आते हैं आप, किस तरह की परेशानी का सामना करते हैं? यहाँ पर जो ट्रैक है वो क्लीन नहीं होता है, और रेगुलर गार्डन में जो डस्ट है उसको भी ये लोग क्लीन अप नहीं करते हैं, और सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। सिक्योरिटी को पूरा राउंड मारना चाहिए, काफ़ी लव बर्ड्स यहाँ पे सिटिंग में बैठे होते हो तो छोटे बच्चे फैमिली वाले बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसकी कुछ केयर करनी चाहिए, बड़ौदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी कुछ देखना चाहिए इसके लिए। थैंक यू। कुछ बदबू को फील करते हैं आप? हाँ ऑफकोर्स, ये तो करीबन जहाँ 3 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, ये इतनी गंदी बदबू आ रही है। पर हमारे पास इसके अलावा और कोई चालने का ट्रैक नहीं है, वॉकिंग ट्रैक, तो हमें आना ही पड़ता है यहाँ पर, और ये गंदगी हमको महसूस करनी पड़ती है। वो हमारे माजलपुर के कम्युनिटी के लिए सेम है बहुत बड़ा। कॉर्पोरेशन का कभी ध्यान आकर्षण कराया, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है कभी उनका ध्यान आकर्षण कराया है? ना तो यहाँ के कॉर्पोरेटर मैडम कभी आते हैं गार्डन में, ना ही कोई कॉर्पोरेशन का ऑफिसर आता है, बाहर से आके साइन करवा के चले जाते हैं। कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है।